मध्य प्रदेश के हरदा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक आदतन अपराधी ने 5 साल की मासूम को नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही मासूम बच्ची के परिजनों में कोहराम मच गया है। मध्य प्रदेश में मासूमों के साथ बलात्कार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल के बाद अब हरदा जिले में भी एक 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चीपाबर थाना क्षेत्र में एक आदतन अपराधी ने 5 वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसला कर कुरकुरे खिलाने का लालच देकर नदी किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति ने जब बच्ची को रोते हुए देख लिया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते ही चीपाबर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और मासूम बालिका को खून से लथपथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बता दें कि आरोपी 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। घटना की जानकारी लगते ही SP अभिनव चौकसे ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन बच्ची के परिजन आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। चीपाबर थाना के अंतर्गत एक ग्राम में छोटी सी बच्ची के साथ एक आरोपी के द्वारा उसका अपहरण करके नदी के पास ले जाकर बलात्कार किया, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश हेतु खंडवा पुलिस एवं हरदा पुलिस सभी टीमें रवाना हो गई है। हमारी समाज में जो लड़की के साथ में जो कृत्य हुआ है वो बहुत गलत है और हम पूरी समाज उसकी घोर निंदा करते हैं और हमारी इच्छा है कि लड़की को हरदा रेफर किया जाए। हमें विश्वास नहीं इस अस्पताल पे कि उसका इलाज यहाँ सही तरीके से हो। नाम को कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई बताने को खाली नहीं, डॉक्टर वगैरह कोई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।